माओ दमन पाई जोरदार हेबा अभियान एथिपाई विशाखापाटना रे प्रस्तुत होची ब्लूप्रिंट ध्वंस हेबा लालगढ़ देखिबा ए संपर्कित खबर। लालगढ़ में जोरदार हेबो माओ ऑपरेशन, माओ दमन पाई प्रस्तुत हेबो नुआ स्ट्राटेजी एने आज विजयनगरम बसुची गुरुत्वपूर्ण बैठक। बैठक में जोगदेवे नक्सल प्रभावित चार राज्यर पुलिस डीजी, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ डीजीपी बैठक में जोगदेवार कार्यक्रम रही। केन्द्र गृह मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी, सिक्यूरीटी आडभाइजर विजय कुमार, सीआरपीएफ एवं बीएसएफ आईजी, डीआईजी प्रमुख बैठक में उपस्थित रहिबे। अंतराज्य पुलिस भितर किभली समन्वय रहिबो, किभली गुइंदा तथ्य आदान प्रदान करा जाई पारिबो एवं आंटी नक्सल ऑपरेशन पाई कौन हेबो नुआ रणनीति से संपर्क में बैठक में हेबो आलोचना। ओडिशा रे माओ स्थिति उपरे मध्य बैठक में आलोचना हेबो बोली सूचना मिलिछि। तो चार राज्य पुलिस डीजी एकाठी होती विजयनगरम रणनीति प्रस्तुत हो जो भाव में माओवादी मैंने नुआ करिडोर निर्माण करिबारे लागी गतिविधि को पुणी सक्रिय कराकि दीर्घ दिन धरी बंद थिला बा निष्क्रिय ही चली थिला। ओडिशा सरकार मध्य दावी करी आसतुले जे माओ दमन में आम गोटे सफल भूमिका नहींचु कि स्थित पुणी थे चैलेंज सृष्टि हो तो कौन रहिबा बैठक निर्जास एवं किभली भाव एथिरे रणनीति प्रस्तुत करा जाय एवं केते सफल हो पारिबा रणनीति ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा। आम सहित स्टूडियो अछंति बटकृष्ण त्रिपाठी, पूर्वतन पुलिस आईजी, आपनको स्वागत करुछि। सीत त्रिपाठी, नुआ रणनीति कौन आवश्यक पड़ुछि आपनको लागुछि जे ऑपरेशन तो चालीथिला लगातार भाव में नुआ रणनीति काहेकि आवश्यक एवं ए बैठक गुरुत्व आपन केते अनुभव करुछंति? बैठक गुरुत्व तो निश्चय अच्छे ये कि सन्देह ना ये नुआ रणनीति बोली जहाँ कहते इटा किसी नुआ कथा नुह दीर्घ दिन धरी ए ऑपरेशन नक्सल ऑपरेशन चली आसी जो चारोटी राज्य कहते आंध्र, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ए राज्य नक्सल मान सक्रिय केत अधिक सक्रिय हो जो प्रकार घटना घटाऊँच केते बड़े ताठर कम बा निष्क्रिय बिल तो कही हेनी थमी जाकर कार्य चलुच्च कि कार्य चलुच्छे से उपस्थित अच्छे से मैंने जिते बड़े जो पार्टी जहाँ किसी करवा कथा करम राज्य विगत वर्ष ठार्ष गत मान चलित बर्ष नक्सल आक्टिविटा टी कम अच्छे बट यार अर्थ नुह जे नक्सल आक्टिविटा पूरापूरी लोप पाई जाए एक कथा नुह पूरापूरी लोप पाएनि ये निष्क्रिय टिके अच्छा से लगे आपड़ देखु से लगे ये चारि राज्य नक्सल आक्टिविटर जोटा टी निष्क्रिय अच्छे छत्तीसगढ़ को छाड़कर सक्रिय करने को नक्सल मान नूतन पदक्षेप नहीं गोटे कथा सब आलोचना हुए जे नक्सल मान गोटे राज्य कांड घटा अन्य राज्य को सीमा नहीं कि पड़ जाऊँगी किंतु जो राज्य पुलिस ओडिशा रे मन कर आक्रमण कले छत्तीसगढ़ पड़ गले ओडिशा पुलिस छत्तीसगढ़ भितर को कार्यानुष्ठान नहीं पारे छत्तीसगढ़ घटे ओडिशा को आसिले तो जो उभय राज्य पुलिस भितर समन्वय एवं कोऑर्डिनेशन एटा को लेकिन सब बड़े आलोचना हो आसे एवं पुणी थे ये बैठक में गुरुत्व दि जाऊँगी तो से कोऑर्डिनेशन दिगटा कहीं आगे बढ़ी पार्नि पार ना कहीं से दिग नहीं आप कहले सत कथा जे नक्सल ऑपरेशन जितेबले ये नक्सल आक्टिविटा ये जो चारोटी राज्य बोली कह चारोटी राज्य बाउंड्री सीमांत सब लगी ये चारोटी राज्य पुलिस डीजी मान को पुलिस आक्टिविटा को जदि समन्वय रक्षा नक कार्य करा न जाए तो नक्सल ऑपरेशन टा सफल हो पारे गोटे कथा आज के आम देखे आसुचु नक्सल कहीं सफल हो पारे धरतु जोटा आप कहले छत्तीसगढ़ अंचल गोटे नक्सल आक्टिविटीज है पुलिस फायरिंग है कि नक्सल फायर कले गोटे घटना घटला गोटे जगार ओडिशा रे इमीडिएटली ताकु किपर मुवमेंट कर इनसर्कल आक्रमण को आम मुकाबला कर से कार्य उपयुक्त भाव में ठीक समय हो पारे आज जो कौथा आप कहते भाईजा विजयनगर में जो चारोटी
डीजी एवं सेंट्रल पुलिस फोर्स डीजी जो कन्फरेन्स हो कन्फरेन्स मु आशा करुचे बोधे मुख्य आलोचना हबो जे किमिति उपयुक्त कोऑर्डिनेशन रक्षा करा जाय पारिबो एवं कम समय भितर गोटे घटना जदि आंध्र प्रदेश घटुची गोटे घटना जदि ओडिसा रे कोनोसी गोटे जगह रे घटुची किंबा छत्तीसगढ़ रो गोटे जगह रे घटुची सिठु आमर सीमांत माने अन्य राज्य रे पुलिस फोर्स जे निकट रे थिबे से माने केते चंचल एवं केमपरि भाव रे से जगह को मूव करि जाय पारिबे किंबा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थिबे ता देर केमति पोजीशन नेकरी नक्सल मान को फेस करि पारिबे से संपर्क रे आलोचना हबो काहे के जदि से संपर्क रे आलोचना न होए ता ए प्रकार एरो किछि मूल्य रहिबो रुटीन रुटीन टाइप एम तो बहुत आगु रही छे आमे जदि ठीक समय रे मूव कर न पारिबा ठीक समय रे गुटी जगह रो अन्य जगह को पुलिस फोर्स को मूव करे काहे कि आपण देखंतु छत्तीसगढ़ रे किछि दिन तळे जो नक्सल ऑपरेशन हला सेटा ओडिसा बॉर्डर तो मात्र 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर भीतर हला आमर ओडिसा रो मालकानगिरी पुलिस जदि इमीडिएटली घटना घटिबार किछि समय भीतर जदि मूव करि जाय पारि थांता जो जोटी घटला ता पाखापाखी अंचल को किंबा से पर जदि आंध्र पुलिस आसी पारि थांते ताले नक्सल माने गुटी जगह रो अन्य जगह को जाई पारिबे नै जाई पारि न थांते से माने गुटे ऑपरेशन करूचंती पुलिस गुळी गुळा चालूची एवं जतोळे ये सरी जाउच माने ये होचन से माने डिफिटेड हे गे चली जाउचंती व्हाट एवर दैट माई मी से माने चली जाउचंती आमे 3 दिन पर 2 दिन पर तांको पिछा करूचे किंतु कम समय भीतर जदि आमे तांको एनसर्कल करि पारि थां घेराबंदी कर दे थां ताहले तांकर जो स्ट्रेटजी से स्ट्रेटजी टाकु आमे फेल कर थां थांते निश्चित रूपे ता होउनी निश्चित रूपे गुरुत्वपूर्ण कथा आपण कहिसेंती सत त्रिपाठी आसीबा आपण पाकु हम प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान नाम सहयोगी अवस्थित जोड़ी होइछंती प्रवीर जो भि भाव में ए गुरुत्वपूर्ण कह जा आज बैठक 4 राज्यर पुलिस डीजी एवं केन्द्रीय जो संस्था गुड़िक रही तार प्रतिनिधि माने एवं विभिन्न सुरक्षा विभाग जो माने सुरक्षा एजेन्सी गुड़िकर पदाधिकारी माने जोग दौंती तो कथा हूँ जे ए बैठक मुख्य एजेंडा कौन रोचे मुख्य फोकस कौन रही है बैठक रे देखो जदि आम देखा बैठक मुख्य फोकस रोच दुईट जिनस गोटे हूँ कि राज्य राज्य भितर कोऑर्डिनेशन हो पार राज्य राज्य पुलिस भितर कि सुसमन्वय रक्षा कर दुई नंबर आप देखिए कि चारोटी राज्य भितर इंटेलिजेंस इनपुट जो जहाँ कि मिलूँ माओवादी संपर्कित जहाँ भी इंटेलिजेंस मिलूँ कि चारोटी राज्य पुलिस भितर रक्षा रक्षा कर इंटेलिजेंस इनपुट तेणु यही दुईट दिग उपर अनेक फोकस रोच गोटे कथा कह शक्ति आम दर्शक अच्छा ओडिशा रे 8 माओ संगठन बर्तमान काम करछि 8 माओ संगठन भितर 3 माओ संगठन बर्तमान आक्टिव अछि गोटे आपन देखिबे कन्धमाल कलाहांडी बौद्ध नयागढ़ केकेबीएन जो गुड़े नुआ कॉरिडोर सृष्टि करछि जोरा कि छत्तीसगढ़ आरंभ होछि सेमाने पोस्टछन्ति नुआपड़ा भितर नुआपड़ा रु कन्धमाल जाउछन्ति कन्धमाल रु फोन थरे कलाहांडी कलाहांडी रु आपन जाउछन्ति बौद्ध एवं नयागढ़ तेणु केकेबीएन जो नुआ माओ कॉरिडोर तयारी होछि सेटा बर्तमान पुलिस पाए गुड़े बड़ चैलेंज होछि आ केकेबीएन रु आपन देखिबे लीडर होछि जंपारा नंबर एक नंबर दु आप देखिए वंशधारा घुमसर नागावली डिजन जोड़ा कि आप देखिए रायगढ़ भंजनगर एवं रही गजपति एवं नियमगिरी पर्यटन से बेल्ट पूरा नुआ कॉरिडोर सृष्टि जार लीडर आप देखिए निखिल एवं बंटी तीन नंबर आप देखिए आंध्र ओडिशा जोनाल बॉर्डर कमिटी जो जार कि मुख्य हूँ आरके रही तेनालीनो जो डिजन रही तीनो डिजन बर्तमान पुलिस पाई गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि करनेक समय आप देखिए लोकों से सपोर्ट पा ना आदिवासी सपोर्ट पा ना कि आप देखिए अनेक समय मैंने हिंसाकांड घटना अनेक समय साधारण लोक जीवन हानि घटू तेणु यही तीनो कॉरिडोर को किभ संपूर्ण भाव लुप्त कर दिजाव से आज बैठक में पुलिस डीजी जा गुंडा विभाग अधिकारी जाइंट कि बैठक में नुआ स्ट्राटेजी तैयार नुआ रणनीति तैयार से नुआ रणनीति नुआ स्ट्राटेजी को लेकिन जंगल को ओह्लैबे पुलिस बाहन आज जोटा कि आप देखिए बंटी निखिल हो कि जंपान हो कि आरके हो सब कैरल माओवादी पाखे 20-25 रु अधिक माओवादी सदा रही था तेनाली समय पुलिस सहित माओवादी मुहांमु
ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରାଯିବ, ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ତାଙ୍କର ଢାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସହିତ, ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ମାଓ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ସେ ଆର୍କେ ହଉ, ବଣ୍ଟି ହଉ, ନିଖିଲ ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୁପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯିବ। ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଫେରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ପ୍ରବୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରବୀର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତିନିଟା ନୂଆ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କମୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠିକି ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଠି ପୁଣି ସେମାନେ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ପୁଲିସ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ବା ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ନୂଆ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ଖାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ କରିଡର ସବୁ ହେଲା, ଏଇ କରିଡରରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନକଲେ ତ ସେ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଇଏ ପାଇପାରିବା, କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବା, ଇନପୁଟ୍ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲୋକେଟ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବା, ପୁଲିସ ସେଥିରେ ଯେତିକି କାମ ନ କରିବ ପ୍ରଶାସନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ୟାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବ, ପୋଲିସ କ'ଣ ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯିବ, ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେଇଥିଲେ ସେ କେବେଠୁ ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତାଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭକୁ ଯିବା ଦରକାର, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବେ ନୂଆ ଏଇ ଯେଉଁ କରିଡର କରୁଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଏସବୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଜଣାଶୁଣା ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ ଏଇ ଖବର ପାଇକିରି ଏବଂ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ତାହା ଯଦି ନ କରାଯାଏ, କେବଳ ଯଦି ପୁଲିସ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନା ପୁଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଦେଖୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ କରିଡର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜନମତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନେ? ଆଜିର ବୈଠକରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା, ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ରହିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଦରକାର ବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଶୀଘ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ନକ୍ସଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ଚାରିପଟୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ଆନ୍ଧ୍ର କି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ, ଏମାନେ ଯଦି ଇଏ କରିପାରନ୍ତେ, କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତେ, ତାକୁ ଘେରାଉ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ
ନକ୍ସଲ ମାନେ ସାହସ କରନ୍ତିନି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କି ପ୍ରକାର କରାଯିବ, ସମୟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଫୋର୍ସ ଲିଫ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଦେଖିଆସୁଛେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖବର ପାଉଛେ, ତାପରେ କୁମିଂ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କୁମିଂ ଅପରେସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଲୋକେଟ୍ କରୁଛେ, ତାକୁ କିପରି ଇଏ କରାଯାଇପାରିବ ବା ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ କେମିତି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ଆସିବି ସୀତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟନଗରମ୍ ପ୍ରତିନିଧି କୁମାର ରାଜୁ। କୁମାର ରାଜୁ, କୁଡ୍ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଫ୍ ଟୁଡେଜ୍ କୋଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ? Thank you, Shikshai. The most affected states, Director General of Police meeting is going at the regional center village resort. Director General of Police, Telangana, Odisha and Chhattisgarh is attending for the meeting. Last year also, the same meeting was held at the same place. Every Bandobas is there, not to enter any premises of that village resort. Mainly the agenda is Maoist activities in the state. Mainly these three states there are some incidents created disturbances in the state. The road connectivity of the states, between the states and communication facilities and the cooperation between these three state polices regarding to counter the Maoist activities and the intelligence regarding the Maoist activities in these areas, mainly cut-off areas of the districts, both the districts of three states, the Odisha, Telangana and Andhra Pradesh and Chhattisgarh also. The last year also, the same type of meeting, the road connectivity and the communication facility, mainly regarding mobile towers and the operations, booming operations and the central agencies also. We are also discussing about the central agencies cooperation and central agencies help in this regard. Now, mainly also the activities, and last year after this meeting only, the major encounter held, major encounter occurred in the cut-off area of Andhra-Odisha border, AOB. The major encounter, nearly 36 persons, 36 Maoists are killed in that incident. So after that, the Maoists are doing some recruitment in the border areas of the Andhra Orissa, mainly Andhra Orissa and Chhattisgarh. They are doing some recruitment in the tribal areas. Shakti. Okay. Kumar Raju, is there any specific point to be discussed in this meeting, or it's a same kind of routine meeting of national coordination? Generally, they are not revealing anything regarding the meeting agenda mainly, but they are internally, road network developing in the areas with the central road funding authority and the communication network, what is the communication network and mainly the intelligence reports, what they are saying, the central intelligence reports regarding the Maoist activities, where is the top leaders. The top leaders of the Maoist party, and where there are, and the exchange of information and the cooperation and coordination between the states to eradicate the Maoist problem. Okay, Raju, finally, we want to know, apart from four DGPs of four Naxal affected states, who are the other participants in this meeting? There are some central intelligence, CSF and BSF representatives and the camp holding officers also attended the meeting, but there is no official information regarding the attendance of the central officials for this meeting, but the information regarding the sharing of information from the intelligence agencies, central intelligence agencies and the state intelligence agencies, that is being discussed in this particular meeting. Okay.
थैंक यू मेनी मेनी थैंक्स कुमार राजू। कुमार राजू विजयनगरम प्रतिनिधि जहाँ सूचना दूसरे मुख्यतः से कथा श्रीयुक्त त्रिपाठी जहाँ कहले कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस हूँ मुख्य एवं कम्युनिकेशन को किभ भाव वृद्धि कर जो बाटे जाऊँ ऑपरेशन को किभ भाव दिगा अंतिम रूप दि जाए चार राज्य भितर जो पुलिस आप जो कथा कहते कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस को बढ़ावा कम्युनिकेशन को वृद्धि करवा ए सब उपर मुख्यतः आलोचना हाँ और से जो कथा कहते गत थर जो मीट होता है परवर्त समय गोटे बड़धरण एनकाउंटर होता है ओडा आंध्र बर्डर में से पुलिस को सफलता मिलता गोटे स्ट्राटेजी से तैयारी करते से आधार में इम्प्लीमेंट करते तो आपको कौन लगुच्छे गोटे कथा कहे निश्चित भाव में जेकोसी व्यक्ति विशेष दीर्घ दिन धरी से कथा कहु जे पुलिस फोर्स एवं सेंट्रल पुलिस फोर्स लोकल पुलिस फोर्स समस्त भितर समन्वय रक्षा करा जाय परिबो रक्षा करा जिबा उचित एवं इंटेलिजेंस कलेक्ट करा जिबो काईना कोनोसी आतंकवाद ठीक भाबर हे पाउनी काई काटमुक से कोची जा होउची जति के इंटेलिजेंस कलेक्शन होउची ताकू आमे उपयुक्त भाव में कार्यकारी करि पाउना ठीक समय कार्यकारी करि पाउने आपण जानंतु जदि गुटी इंटेलिजेंस गुटी खबर ऊपर मिलिला आतंकवादी कार्यकलाप गोटे प्रॉपर इंटेलिजेंस पाइले उपयुक्त समय भितर इम्प्लीमेंट न करि परबा से इंटेलिजेंस मूल्य किसी रहा ना जोटा कि आम प्राय पार ना ताकू डेवलप करा जाई पारिबो जोटा कहली जदि आम चारि राज्य गोटे खबर मिलला गोटे पर्टिकुलर प्लेस रे से माने गैदर करुछंती ट्रेनिंग दौंती ताकू केमिति चारिपटु घेरो करिकरे आमे ताकू प्रतिहत करि परिबा सेटा सबठारो बड कथा निश्चित रूपे सबठो बड कथा मु सित्र त्रिपाठी आसीबे आपन बाकु प्रवीर को पाकु पुनि थरे जेबे प्रवीर आपन सुनुथले कुमार राजू मध्ये सूचना दउथले ए जो कथा आमे आलोचना करछु से त्रिपाठी मध्ये जो कथा कहउछंती सेटा हउछ सबठो गुरुत्वपूर्ण कथा जे कोऑर्डिनेशन काहे कि रक्षा करा जाई पारु नाही बारंबार ए विषय रे गुरुत्व दिया जाय आसी इंटेलिजेंस काहे कि फेल मारुची एवं ए नुवा करिडर तो एभली स्थिति रे ए बैठक रो सफलता आपन किभली भाबर देखछंती देखिए जो गुरुत्व दि जाए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो जो निश्चित भाव देखो केवल ओडिशा नुह ओडिशा रु आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बैठक बस देखिए कम्युनिकेशन कथा जो कथा कहा से रोड कनेक्टिविटी हो कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो कि गवर्नमेंट जिते सब डेवलपमेंट योजना पहुंच पारे आदिवासी अधूषित अंचल जार फायदा होती माओवादी तेनाली देखिए जिते सब्यसाची पंडा माओ लिडर जी थे सब्यसाची पंडा गिरफ्तार जदिव आप देखिए 2010 रु 2017 पर्यटन बर्तमान नक्सल हिंसाकांड कमी गोटे आम स्ट्राटेजी बर्तमान नजर पकड़ा जो जमा पड़े ओडिशा रे बर्तमान हिंसाकांड के कमी कि भाव कमी 2010 रे देखिए 2018 माओ हिंसाकांड घटी जो थी कि 69 लोक जीवन जाता से देखिए जेहतु आप देखिए 2011 देखिए 192 हिंसाकांड घटी जो थी कि 53 जन जीवन जाता 2012 161 हिंसाकांड घटी जो थी कि 45 जन प्राणहानि घटी से 2013 हिंसाकांड घटी 35 जन जीवन जाता आप देखिए क्रमगत भाव जदिशार बर्तमान हिंसाकांड कमुची लोक आउ माओवादी आस्था रखुना कि माओवादी को सपोर्ट करना से सब्यसाची पंडा गिरफ्तार बर्तमान हिंसाकांड कमी कि देखिए जो तीनोटी नुआ कॉरीडोर बर्तमान सृष्टि से केकेबीएन हो कि वंशधार घुमसर नागवली हो कि आंध्र ओडिशा बॉर्डर जोनल कमिटी हो तीनोटी जो रही बॉर्डर कमिटी रही नुआ कॉरीडोर बर्तमान या करोटी कॉरीडोर को किभ संपूर्ण भाव निपात करवा जो लीडर मान अच्छा कि इनएक्टिव करवा से बर्तमान गुरुत्व दिज्व आप देखिए गवर्नमेंट अनेक योजना करुच्छे आदिवासी किंतु गवर्नमेंट रो डेवलपमेंट लोक पहुंच पार ना आ फायदा होती माओवादी मैंने से रोड कनेक्टिविटी हो कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो कि लोक योजना हो तेनालीरों गुरुत्व दिज्व अंपटे आप देखिए इंटेलिजेंस इनपुट जहां आम प्रतिनिधि कहते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट को मिल पार कि पुलिस भितर कोऑर्डिनेशन रही रक्षा कर जाए पारिबो चारोटी स्टेट भितर छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन एवं इंटेलिजेंस तीन टी एक्शन
ए चारिटी दिग उपर सबळे गुरुत्व दिया जाय आछि किंतु से जे पर्यंत ए चारिटी को संपूर्ण रूपे इम्प्लीमेंट करा न जाय छि से पर्यंत ए माओ गतिविधि को संपूर्ण रूपे नियंत्रण करिवा संभव होई परिबा नाही। बहुत धन्यवाद श्री बटकृष्ण त्रिपाठी प्रसंग रे आपनकर बहुमूल्य मतामत रखिथिबारु। प्रवीर आपनको मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद ए तथ्य आम सहित सेयार करथिबारु दर्शकक सहित एवं आम सहित कुमार राजु मध्ये थिले विजयनगरम प्रतिनिधि आपन समस्तक बहुत बहुत धन्यवाद। समय होई छि ए आलोचना सहित कार्यक्रम को एट रखा। नमस्कार।